हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक जो आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, आधार कार्ड में जो भी हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो जैसे ही हम अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो उस हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी नहीं आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने उसी के बारे में बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आने के बाद सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है UIDAI लॉगिन को टाइप करने के बाद सर्च करना है। सर्च करने में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, माई आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब नीचे की ओर आना है। तो ये काफी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं, पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इन काफी सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन दे रखा हुआ है फाइल ए कंप्लेंट, इसमें हमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहां पे इंटर नेम, आपको अपना नाम लिखना है। ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड में जिस तरह से लिखा हो सेम उसी तरह से लिखना है। इसके बाद चलिए मैं अपना नाम लिख रहा हूं। नाम लिखने के बाद नीचे दे रखा हुआ है इंटर मोबाइल नंबर, तो यहां पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। ध्यान रखिएगा, आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ना कि दूसरा। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट हो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जो भी हो, यूपी हो, जो भी। इसके बाद कंप्लेंट फॉर, कंप्लेंट किसकी कर रहे हैं, सेल्फ की या अदर्स की, मतलब खुद की कर रहे हैं या दूसरे की। तो मैंने सेल्फ में क्लिक किया क्योंकि मैं अपने आधार कार्ड में ओटीपी नहीं आ रही, इस वजह से कर रहा हूं। इसके बाद इंटर कंप्लेंट टाइप, किस तरह की कंप्लेंट कर रहे हैं। तो जैसे आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड ओटीपी नहीं आ रही, तो आप सेलेक्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन इशू। इसके बाद इंटर कैटेगरी टाइप, किस तरह की कैटेगरी का कंप्लेन है, तो आपको सेलेक्ट करना है गेटिंग एरर व्हाइल ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट। इसके बाद व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, यहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद देखो नीचे मैसेज बॉक्स दे रखा है, यहां पे आप अपना मैसेज लिख के UIDAI को सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूं, ओपन में क्लिक करेंगे, मेरा जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद ये नीचे मैसेज बॉक्स है, यहाँ पे अपना मैसेज लिखना है कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही। मैंने लिख दिया है, सर माय मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद UIDAI बट सम डेज ओटीपी इज नॉट रिसीव माय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सो आई एम फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज। इसका मतलब ये है कि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है लेकिन काफी दिन से ओटीपी नहीं आ रहा है, इस वजह से कंप्लेन कर रहा हूं। इसके बाद कैप्चा कोड, कैप्चा कोड के बाद नेक्स्ट में हमें क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहां पे आपको आपकी कंप्लेन जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहां पे SRN नंबर मिलेगा, आप अपने मोबाइल फोन से इसकी फोटो खींच सकते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको स्टेटस चेक करने में। इसके बाद फीडबैक के लिए बोल रहा है कि आपको कंप्लेन करके कैसा फील हो रहा है, तो मैंने लास्ट वाली इमोजी में क्लिक किया कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में जैसे क्लिक किया, वहां पे बोल रहा है फीडबैक देने के लिए थैंक यू। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक कंप्लेन स्टेटस, SRN नंबर डालेंगे अपना यहाँ पे। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है, सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेन कैटेगरी बता देगी कि आगे का क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।